नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के विषय में। इसको पाप मोचनी क्यों कहा जाता है? भगवान श्री हरि के कौन से स्वरूप की पूजा पाप मोचनी एकादशी के दिन की जाती है? इसको करने से क्या लाभ मिलता है? क्या इसका व्रत विधान है? और इससे एक जबरदस्त उपाय आप क्या अपना सकते हैं? हर तरीके से श्री हरि का आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। ये सारे उपाय आपके साथ साझा करेंगे। चर्चा होगी दैनिक राशिफल की, आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा और सफलता का अचूक महा उपाय एकादशी के दिन करने से आपके रुके हुए कार्य कैसे बनेंगे आपको बताएंगे। इसी के साथ ही रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके अशुभ ग्रहों को शांत करेगी, यानी कि कुंडली में किसी भी अशुभ ग्रह की महादशा हो उसे शांत कैसे करेगी, आज रसोई घर की सामग्री आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम सूर्य पुत्राय नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। तो जब आपको लगे कि पारिवारिक कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, कुछ परेशानियां शुरू हो गई हैं, तो इस मंत्र को जरूर जपिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 18 मार्च 2023, दिन शनिवार, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र होगा श्रवण, चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट कर लीजिए, सुबह 9 से 10:30 के मध्य। इस दौरान कोई भी नया कार्य शुरू ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दिशाशूल होगी आज पूर्व दिशा, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी है, किसी विशेष लाभ की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की महिमा क्या है, क्या इसका महत्व है और इस व्रत को कैसे किया जाता है। देखिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता के कारण यह एकादशी पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी पर कोई भी व्यक्ति यदि वो व्रत विधान करे तो पापों से मुक्त हो सकता है। इस संसार के सभी सुख उसको मिल सकते हैं, यानी आपके घर में सुखों का अभाव है, इस व्रत को जरूर करिए, भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करिए और पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूल जरूर अर्पित करिए। ऐसा करने से उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको बहुत आसानी से मिल सकती है। इस एकादशी पर नवग्रहों की पूजा आप कर सकते हैं। सभी ग्रह अपना आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे, यानी कि कुंडली में यदि अशुभ ग्रहों की दशा है, पापी ग्रहों की दशा है, शनि मंगल राहु केतु ने आपको परेशान किया है, तो इस व्रत को अवश्य करिए। इस एकादशी पर पितरों के लिए किया गया दान सारे कष्ट और कलेशों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है और आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति मिलने लगती है। पाप मोचनी एकादशी पर अब कैसे करनी है भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना, आइए ये भी जानते हैं। देखिए, पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा अर्चना आप जरूर करिए। उन्हें पीले वस्त्र पहनाइए, 1.25 मीटर पीले वस्त्र पर आप उनकी मूरत को, उनके किसी भी विग्रह या चित्र को स्थापित करिए। दाएं हाथ में यानी कि राइट हैंड में आप थोड़ा सा जल लीजिए, थोड़ा फूल लीजिए, चंदन लीजिए और इस सारी सामग्री को लेकर सारे दिन के व्रत का संकल्प ले लीजिए। दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए, माला अर्पित करिए, पीली मिठाई, पीला चंदन और पीला ही जनेऊ आप इस समय अर्पित करेंगे। पीले आसन पर आप बैठ जाइए, भगवत कथा का पाठ कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, सर्वोत्तम होगा। पाठ करने से पहले गाय के घी का एक दीपक उनके सामने प्रज्वलित कर दीजिए।
जल का एक लोटा भरकर भगवान विष्णु के सामने रखिए। जब यह पाठ, जब आपका मंत्र जाप, जो भी आप कर रहे हैं वह पूर्ण हो जाए तो भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाइए और छोटे बच्चों में ये बांट दीजिए। शाम के समय सिर्फ आप फलाहार करेंगे, फलों का सेवन करेंगे, अन्न का सेवन नहीं करेंगे यदि आप स्वस्थ हैं तो। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है, उनका भजन, उनका कीर्तन करना है और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि एकादशी से अगले दिन द्वादशी पर सुबह के समय भगवान विष्णु की फिर से आप स्नान करके पूजा करेंगे और जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा देने के बाद अपने घर के बड़े बुजुर्ग या घर के आसपास जो बड़े बुजुर्ग हों उनके चरण स्पर्श करने के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना है। तो ये संपूर्ण विधान होता है एकादशी के व्रत को करने का। यदि आपने पाप मोचनी एकादशी के दिन इस व्रत को किया तो बहुत लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं मेष वृष मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यापारिक स्थिति पहले से अच्छी होगी, जीवनचर्या में सुधार होगा, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, शुद्ध घी का दान करें, शुभ रंग होगा ग्रे। वृषभ राशि, बिना सोच के निर्णय आपके काम बिगाड़ सकते हैं, ऑफिस में तनाव कम होगा, शेयर मार्केट में कोई निवेश ना करें, सफेद मिठाई का दान जरूर करें, शुभ रंग होगा पीला। मिथुन राशि, नौकरी में व्यस्तता बनी रहेगी, मनोरंजन की यात्रा का योग बना हुआ है, डूबा हुआ धन आज आपको मिल सकता है, साबुत मूंग का दान करें, शुभ रंग होगा आसमानी। आइए मित्रों, अब आपको बताते हैं कि पाप मोचनी एकादशी पर महा उपाय आपको क्या करना है। देखिए, पाप मोचनी एकादशी पर शाम के समय एक मुट्ठी साबुत चावल लीजिए, उन्हें हल्दी के द्वारा यानी कि पिसी हुई हल्दी से उन्हें रंग दीजिए, उस पर दो गेंदे के फूल और एक साबुत सुपारी रखें। अब सारी सामग्री को पीले रेशमी रुमाल में रखकर भगवान विष्णु के सामने रखें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, यह मंत्र तीन माला यानी कि आपको वहीं पर बैठना है आसन पर, तीन माला जाप करना है और जाप के बाद यह सारी सामग्री को उसी पीले रुमाल में बांध दीजिए। भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श करके आप इस पोटली को, इस चावल को अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से जो आपका धन है वो बीमारियों पर खर्च नहीं होगा, धन की बरकत होगी और आप स्वस्थ रहने लगेंगे। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करिएगा। अब आपको बताते हैं कि इसी एकादशी पर कष्ट कलेशों को कैसे बहुत कम समय में आप खत्म कर सकते हैं। देखिए, शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर में पीले फूल और पीला मिष्ठान लेकर आप जाएं, पीले आसन पर बैठें और भगवान विष्णु के 108 नामों को आप पढ़िए, वहीं पर बैठकर पढ़िए। जब आपके जाप पूर्ण हो जाए, पाठ जब आपका यह हो जाए तो पीले पुष्प भगवान को अर्पित करिए और पीले मिष्ठान का भोग लगाकर छोटे बच्चों में बांटिए, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट कलेश धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। आइए जानते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मित्रों द्वारा कार्य की प्रशंसा होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, प्रियजन से मिलने का योग बना हुआ है, आज के दिन खिचड़ी का दान करें, शुभ रंग होगा लाल। सिंह राशि, अचानक अतिथि का आगमन होगा, अचानक धन भी प्राप्त होगा, अपनी वाणी पर संयम रखें, गेहूं गुड़ का दान करें, शुभ रंग होगा सुनहरी। कन्या राशि, प्रेम संबंधों में खटास आएगी, धन की हानि से बचें, कार्यों को समय पर करें, हरी फल सब्जियों का दान करें, शुभ रंग होगा मरु। मित्रों, ज्योतिष गुरु के हेल्पलाइन नंबर 9643333444 को आप नोट कर लीजिए। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर हमेशा खुली है, उस पर बेझिझक
आप अपनी समस्याएं, अपनी दुविधा, अपनी परेशानियां लिखकर भेजिए। ज्योतिष गुरु हर संभव प्रयास करेंगे आपकी समस्या को सुलझाने का। पहले दर्शक हैं सुशील वली, देहरादून से हैं। ये कह रहे मेरे बेटे को नौकरी कब मिलेगी, क्या विदेश जाने का योग है, कोई उपाय बताएं। देखिए, आपका जो बेटा है वो सिंह लग्न और तुला राशि का है। वर्तमान समय में राशि पर केतु का गोचर है। अप्रैल 2023 के बाद नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। कुंडली में पितृदोष होने के कारण विदेश यात्रा में अड़चन आ रही है, परेशानी आ रही है। इसलिए आप क्या उपाय करेंगे, हर अमावस्या पर पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान कर दीजिए। दूसरे दर्शक है चंद्र प्रकाश कुमावत, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं मेरे करियर के बारे में बताएं, मैं नौकरी करूं या बिजनेस। आप वृश्चिक लग्न और मीन राशि के हैं। वर्तमान समय में राशि पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इस समय कोई अपना नया व्यवसाय शुरू ना करें। मई 2023 के बाद नौकरी करने की संभावनाएं प्रबल होंगी। सुबह के समय आप जल्दी उठें, भगवान सूर्य की उपासना करें और लोगों को गुरुवार के दिन सुबह के समय बेसन की मिठाई खिलाएं और फलों का दान करें। यह छोटा सा उपाय करने से आपका कार्य सिद्ध होगा। मित्रों, आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो ज्योतिष गुरु के हेल्पलाइन नंबर पर अपना प्रश्न अवश्य साझा करें। आइए जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशि। तुला राशि, परिवार में खुशी आएगी, संतान पक्ष की ओर से सुख मिलेगा, बाहर के खान पान से बचें, चावल और मीठी वस्तु का दान करें, शुभ रंग होगा सफेद। वृश्चिक राशि, मनचाही सफलता मिलेगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, दौड़ भाग पहले से कम होगी, फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा, शुभ रंग है नारंगी। धनुराशि, धन का लाभ होगा, संतान की उन्नति का योग है, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, घर में कोई बदलाव ना करें, शुभ रंग होगा गुलाबी। आइए मित्रों, बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपकी अच्छी सेहत, सुख समृद्धि की कामना ईश्वर से करते हैं। मित्रों, यह वर्ष आपकी नौकरी और स्वास्थ्य के लिए सामान्य रहेगा। इस साल की शुरुआत में ही आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। धन, स्वास्थ्य और रोजगार की सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए सुबह के समय सूर्याष्टक का पाठ करिए और नेत्रहीन यानी कि जो ब्लाइंड लोग हैं उनके खाने की और रहने की व्यवस्था यदि आपने करी तो संपूर्ण वर्ष आपका बहुत अच्छा बीतेगा। तो जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। आइए जानते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशि पर। मकर राशि, वाद विवाद से दूर रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, दिन भर आराम रहेगा, शुद्ध घी का दीपक मंदिर में जलाएं, शुभ रंग होगा नीला। कुंभ राशि, नई नौकरी लगने का योग बना हुआ है, मान सम्मान की भरपूर प्राप्ति होगी, आज काम का बोझ बढ़ेगा, जीव जंतुओं की सेवा करें, शुभ रंग होगा जम। मीन राशि, व्यापार की समस्याएं खत्म होंगी, रुका हुआ काम बनेगा, नौकरी में तरक्की का योग दिखाई दे रहा है, पीली मिठाई का दान सर्वोत्तम होगा, शुभ रंग है नारंगी। आइए मित्रों, अब बात करते हैं सफलता के उस अचूक महा उपाय की जिसको अपनाने से आपका रुका हुआ और महत्वपूर्ण कार्य सफल हो सकता है। तो क्या करना है महा उपाय, आइए जानते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर गेंदे के फूल पर केसर का छींटा देकर वंदनवार बांध दीजिए। कम से कम 11 या 21 फूल जरूर लगाइएगा, आपका हर कार्य सिद्ध होने लगेगा। आइए बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों को हम सेहत में बताएंगे, यदि उनकी स्किन पर, त्वचा पर कोई जला हुआ निशान है और वह नहीं जा रहा तो क्या करना है दिव्य प्रयोग, आइए जानते हैं।
नारियल का तेल आप लीजिए, वो भी शुद्ध, कुछ समय तक उस निशान पर लगाइए, आपको लाभ कम समय में दिखाई देगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की, यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। आज है पाप मोचनी एकादशी। सुबह के समय तांबे के बर्तन में गेहूं और गुड़ रखकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। हर तरीके से मन की इच्छा पूर्ण होगी और हर जगह आप सम्मानित बनी रहेंगी। आइए अब बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको अपनाने से आपके अशुभ ग्रह शांत हो सकते हैं, शुभ परिणाम दे सकते हैं। तो क्या लाए हैं आज रसोई घर से, आइए आपको बताते हैं। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं 7 अनाज को मिलाकर, यानी कि 7 अनाज। 1.25 किलो की मात्रा में 7 अनाज आप अपने सर से 7 बार उल्टा वार कर बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। ऐसा करने से इस पाप मोचनी एकादशी पर हर अशुभ ग्रह शांत होगा और कुंडली के अशुभ ग्रह भी आपको शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि पाप मोचनी एकादशी पर कौन कौन से महा उपाय आपके पापों को नष्ट कर देंगे, कैसे आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी, कैसे आप हर संकट और दुविधा से बचे रहेंगे। मित्रों, कल हम आपको बताएंगे कि रवि प्रदोष की महिमा क्या है, कैसे रवि प्रदोष का व्रत करके आपको अच्छी सेहत का महावरदान भगवान सूर्य नारायण और प्रभु शिव दे सकते हैं। तो छोटे छोटे क्या ये उपाय होंगे आपके साथ साझा करेंगे। तो कल इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार।